हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और हम लोग सब अभी तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं हम लोग अभी ननंद के घर, ननंद को लेने के लिए। देखते हैं वहां पर क्या क्या अरेंजमेंट है अपनी भाभी के खातिरदारी के लिए। देखते हैं क्या है, आपको मिलाते हैं वहां पर। सो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर सब वेट कर रहे हैं और ड्राइवर साहब चले गए हैं। हितेन भी यहाँ पर वेट कर रहा है। ड्राइवर साहब गायब हो गए हैं। कहाँ चले गए हमारे ड्राइवर साहब? सब इंतज़ार में हैं। हमारी ननंद भी इंतज़ार कर रही है, बार बार उनका फ़ोन आ रहा है। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ड्राइवर साहब गायब हो गए थे और ये आ रहे हैं यहाँ पर। ड्राइवर सर कहाँ चले गए थे आप? कहाँ चले गए थे? गांव घूमने। सो फ्रेंड्स, ये है चना चाट। हम लोग रास्ते में रुक के चना चाट खा रहे हैं। किसने किसने बचपन में खाया था? चने चाट को बचपन में कौन कौन खाया है बताइएगा। हम लोग बचपन में बहुत खाते थे, आज रास्ते में दिख गया तो हम लोग खा रहे हैं। और एक भैया आके बोल रहे हैं भाई साहब हमें भी खिला दो, तो उनको भी खिलाया जा रहा है, है ना? आप लोग नहीं खाओगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। देखते हैं कैसा है टेस्ट में, बचपन की याद आती है कि नहीं इसको खाकर। देखते हैं। ठीक है, बट बचपन जैसा तो नहीं है, बट ठीक है। पैक करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा मिठाई पैक हो चुका है, अब फल लेने चलते हैं। फल भी ले। तो हम लोग आ गए हैं सीमा के घर, मेरी ननंद के घर। यहाँ पर छोटा सा गैया है। मैं खुद डर रही हूँ, वो बात अलग है कि मैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग का चाय नाश्ता हो गया। हम किचन में आ गए हैं और सब्जी काट रहे हैं। सबका हेल्प कर दे रही हूँ मैं खाना बनाने में। सो यहाँ पे हमारी ननंद जी बना रही है चूल्हे पे सब्जी। इनके भैया का फरमाइश था कि चूल्हे में बनाओ, इसलिए आज ये चूल्हे में बना रही है। क्या बना रही है सीमा मैडम? सेमी और टमाटर बन रहा है यहाँ पर। बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है हमारी ननंद जी, इसीलिए तो हम लोग आए हैं खाने के लिए। यहाँ पर सारे मसाले ला कर रखी हैं। और ये आंगन है, देखिए ये आम का पेड़ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर खूब सारी गायें हैं हमारी ननंद जी के घर में। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, गाय हैं और छोटी छोटी बच्चियाँ पीछे में आपको दिख रहा होगा। लो के घर का गाय है बहुत सारा। और ये इतना बड़ा आंगन है हमारी ननंद जी लोग का। और यहाँ सीमा की रेसिपी तैयार हो रही है सेमी टमाटर की।
आप लोग देख ही सकते हैं चूल्हे में बन रहा है तो टेस्टी तो ज़रूर ही बनेगा ना सीमा। हाँ अब हम आए हैं तो भाई टेस्टी खाना तो खिलाएगी हमारी ननन जी, तो बनने के बाद दिखाते हैं आपको कैसे बनता है। कहाँ गए थे आप? अकेले अकेले मुझे छोड़कर? और ये जा रहे हैं अपनी बहन के पास। आप बनाने लग दो ना, मास्टर सेफ है, इसीलिए तो बता दी हूँ मैं कि हमारी सीमा ननन जी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, वो भी चूल्हे पर आपकी फरमाइश से बन रहा है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भाई बहन की बातचीत चल रही है, तो यहाँ पर सीमा का सब्जी बन रहा है, बनने में टाइम लगेगा। तो चलिए मैं इसका रूम दिखा देती हूँ, आइए मैं आपको इसका रूम का सैर करा देती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारी छोटा सा है लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर सारा सामान रखती है, बढ़िया शादी का भी सामान रखा हुआ है। अभी ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है हमारी ननंद को शादी हुए, 6 महीना मई जून 6 महीना हुआ है। यहाँ पर सारा चीज बहुत ही सुंदर अरेंज करके रखी है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं थोड़ा तो बन गया हमारा सीमा मैडम का खाना, बन गया सब चीज। हाँ, बन गया। ये है टमाटर और सेमी, ये है गोभी मटर आलू जो चूल्हे में बना है, टेस्टी बहुत ही दिख रहा है। इधर दाल, इधर सब्जी, यहाँ पर चावल, पीछे में है अचार। सो आइए अब खाते हैं खाना। ये हमारी सीमा जी का किचन, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट है। वही सुबह खाऊंगा, कितना मिनट होगा, कितना सेकंड? 14, 15, 16, 17। सो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं, हमारी विदाई हो रही है। इसको ठंड लग रहा है, इसको शॉल उठा दिया गया है। सो फ्रेंड्स हम लोग अपनी ननंद को लेकर आ गए हैं और हम लोग सीधे अपने मामा के घर आ गए हैं और यहाँ पर सबको आग सेक रहे हैं, रात को काफ़ी ठंड है। तो सो फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है, हमारी मामी जी बना रही है हम लोग के लिए चटनी अपने ही बाड़ी का, धनिया मिर्च लेकर। सो सिलबट्टे पर हमारी मामी जी चटनी बना रही है, टमाटर हरी मिर्च धनिए की, बहुत ही टेस्टी लगता है सिलबट्टे की चटनी, आपको पता होगा। तो किसको किसको सिलबट्टे की चटनी पसंद है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सो फ्रेंड्स यहाँ पर चटनी के साथ खाने के लिए चीला बन रहा है, इतना बड़ा तावा है कि एक ही रोटी खाने में सबका पेट भर जाएगा। और यहाँ पर एक और रोटी तैयार होगी जिसके लिए अभी कंडे को सेका जा रहा है और यहाँ पर उसका बैटर है चावल आटे का। तो यहाँ पर हमारी मम्मी आ गई है उस रोटी को बनाने के लिए, पहले इसमें पत्ते को बिछा दे रही हमारी मम्मी, फिर उसमें बैटर को लगा देगी चारों तरफ। देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर बैटर को पूरा पत्ते पर बिछा देंगे। और यहाँ पर मम्मी चावल आटे के बैटर के ऊपर पत्ते को फिर से ढक दे रही है, पूरी अच्छी तरह से ढक दे रही है चारों तरफ से। और यहाँ पर कंडा गर्म हो चुका है, पूरा सिक चुका है, इसके ऊपर फिर उस रोटी को रख देंगे। और मामी यहाँ पर कंडे को फैला रही है पूरे। सो यहाँ पर मामी जी रोटी का बैटर को लाकर आग पे रख दे रही है और जितने भी कंडे हैं सेके हुए उसके ऊपर लगा दे रही है, नीचे भी कंडे रखे हैं ऊपर में भी। और इसी प्रकार से यह रोटी तैयार होता है।
और इसको हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि हम लोग इसको बोलते हैं पनपुरवा, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पान के पत्ते से बनता है। और क्या बोलते हैं, औरंगाकर रोटी, पनपुरवा और कंडे वाली रोटी भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। और हमारा रोटी यहाँ पर पूरा तैयार हो गया है, मामी पत्ते सबको झड़ा दे रही है, तो खाने में तो बहुत टेस्टी होता है। सो यहाँ पर रोटी को करते हैं मिलकर ख़त्म। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।